अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम 1.3 के कुछ टॉपिक 2.3 के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद 2.3 हल करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हमारे पास के रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स क्या होते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन, एन है पॉजिटिव इंटीजर और ये ग्रेटर वन है, ग्रेटर देन वन एंड ए, ये वन और ए से बड़ा है, इज रियल नंबर। वन और ए क्या है? रियल नंबर है। देन एनी रियल नंबर एक्स सच डेट एक्स की पावर एन, एनी रियल नंबर एक्स है तो एक्स की पावर एन आ गया इज इक्वल टू ए, इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ ए एंड एन सिंबल इज रिटन एज, ये हम इस तरह लिखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू एन अंडर रूट ए और x इज इक्वल टू ए वन डिवाइड बाई एन आएगा पावर। तो ये हमारे पास क्या है कि x की पावर n इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ ए, जो nth रूट ऑफ ए की आएगा वो सिंबल हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा जिस तरह हमने ये लिखा है। अब इन द रेडिकल n अंडर रूट ए द सिंबल अंडर रूट इज कॉल्ड द रेडिकल साइन, ये रेडिकल साइन है। एन इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकल है एंड द रियल नंबर ए अंडर द रेडिकल साइन, और ए हमारे पास रियल नंबर है जो अंडर रेडिकल साइन है, इसको हम क्या कहेंगे, इस कॉल रेडिकेंड कहेंगे, इसको रेडिकेंड या बेस कहेंगे। तो नोट, ये हमारे पास टू अंडर रूट ए इज यूजली रिटन एज अंडर रूट ए, सही है ना, इसको हम यूज करेंगे अंडर रूट ए। उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो हम डिफरेंट बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंटल फॉर्म, कि रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंटल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। एंड रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड, रेडिकल फॉर्म जो होगा वो रेडिकल साइन यूज करेगा, जिस तरह हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एन अंडर रूट ए इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म, तो ये रेडिकल फॉर्म है हमारे पास, जिस तरह ये कुछ एग्जाम्पल है आर एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म। तो इन एक्सपोनेंटल फॉर्म क्या होगा, इन एक्सपोनेंटल फॉर्म एक्सपोनेंटल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल, ये कहाँ यूज होगी, रेडिकल्स की जगह पे, जिस तरह हमारे पास ये है एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वन डिवाइड बाई एंथ इज एक्सपोनेंटल फॉर्म, ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंटल फॉर्म आ गया है। तो ये जिस तरह कुछ एग्जाम्पल दिए ये भी हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंटल फॉर्म है। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल कितने हैं, लेट ए बी belong R and M and be positive integer then, ये हमारे पास property है कुछ, ये किस चीज़ की है, radicals की property हमारे पास है। उसके बाद ये कुछ example हल किए हुए है बिल्कुल question की तरह है, तो हम चलते हैं exercise की तरफ और वहाँ question पढ़ते हैं कि क्या बोल रहे हैं वहाँ पे। तो student हम आ गए exercise 2.3 पे, first question है हमारे पास, write each radical expression in exponential notation and each exponential expressions in radical notation do not simplify। अब हम क्या करेंगे कि जो radical expression होगा वो exponential notation में convert करेंगे और जो exponential expression होगा वो radical notation में convert करेंगे, जिस तरह हमारे पास ये first question है, second, third, fourth, तो ये मैंने कुछ इनमें से किए हुए है book पर, तो वो register पर, तो वो देखते हैं आपको सही समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको एक्सपोनेंटल और रेडिकल के बारे में पता चल गया होगा, जिस तरह हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3√-64, तो ये कौन सी फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, रेडिकल, तो ये इसको हम एक्सपोनेंटल नोटेशन में ला रहे हैं कि -64 वन डिवाइड बाई 3, इसका मतलब होगा कि ये एक्सपोनेंटल फॉर्म में तब्दील हो गया है। उसके बाद सेकेंड हमारे पास एक है फोर क्वेश्चन बुक में कि y -2 डिवाइड बाई 3, ये कौन से फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास एक्सपोनेंटल एक्सप्रेशन है और ये हम रेडिकल नोटेशन में तब्दील करेंगे, जिस तरह हमने तब्दील कर लिया है, -2 जो होगा वो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट y की पावर 3 आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन 3 हमारे पास है बुक में -7 1 डिवाइड बाई 3, तो ये कौन सी फॉर्म में हमारे पास एक्सपोनेंटल एक्सप्रेशन में है हमारे पास, तो हम इसको रेडिकल नोटेशन में तब्दील करेंगे, तो ये हमारे पास रेडिकल नोटेशन में आ गया, 1/3 है तो 3 बाहर है इसका मतलब, और ये अंडर रूट -7, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में आ गया, रेडिकल रोटेशन में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने समझ लिया है, बहुत ही ईजी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
तो इसमें आपने सिर्फ मालूम करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हमने जो पहले पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में किस तरह लाएंगे और रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में किस तरह लाएंगे, तो ये उसी तरह इन्होंने हल किए हुए, आपने सिर्फ ट्रू और फॉल्स निकालना है। तो ये आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करो, कुछ रेडिकल एक्सप्रेशन है तो हमने कुछ रेडिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किए हुए हैं, वो भी मैं आपको समझा लेता हूँ। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ। तो स्टूडेंट हमने कुछ किए हुए हैं एक सिंप्लीफाई, जिसमें हमने लिया क्वेश्चन नंबर 3 बुक में 5√3/32। तो इसको हमने कैसे हल करेंगे, हल इस तरह करेंगे कि ये ऊपर तो 3 है, इसकी तो हम नहीं कर सकते 32। ऐसी कोई हम नंबर ले लें कि इसको 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 5 दफ़ा, कि वो 32 आ जाए। ऐसा कोई एक नंबर हो तो वो हमारे पास है, कौन सा है, 2 है। 2 को अगर हम 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा। तो उसकी जगह हमने 2 लगा लिया, तो ये 5√3 हमारे पास इसी तरह आएगा, क्योंकि 3 हमारे पास कोई एक्सप्लेन नहीं होता। तो स्टूडेंट इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया हुआ है, 3√-8/27। तो इसको भी हम हल करेंगे बहुत इजी। ऐसा कोई नंबर जो 8 को अगर 3 को मल्टीप्लाई 3 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो वो हमारे पास है। 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 आएगा, तो हमारे पास -2 ऊपर आ गया है। नीचे क्या होगा, 27 ऐसे कोई हिंसा जो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो और वो हमारे पास क्या आ जाए, 27 आ जाए। तो ये हमारे पास -2 और 3, हमने रफ वर्क में किए हुए हैं। जिस तरह ये 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, इस तरह नहीं करें कि 2 3 6, इस तरह नहीं, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 आ गया, और 3 को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई की तो 27 आ गए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -2/3। इनको -2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये सिंप्लीफाई हो गया है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 4√32। ये कुछ नहीं है, 32 है सिर्फ। तो अगर हम ऐसा हिंसा ढूंढने के 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 32 आ जाए, तो हमारे पास नहीं आता, क्योंकि 4 को अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 दफ़ा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 आएगा सिर्फ। लेकिन अगर हम 5 दफ़ा करेंगे, हम 5 दफ़ा करेंगे, 5 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जी सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 6 2 2 32 आएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 4 है, 4 2 4 2, हम अंदर अंडर रूट में लिख लेंगे, बाहर हम क्या करेंगे 4 लिख लेंगे, कि इसका मतलब है कि 4 दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाहर हम 2, ये 2 जो बच गया है वो हम बाहर लिख लेंगे। तो ये पूरे का मतलब क्या आ रहा है कि ये 32 है, पूरे का मतलब 32 आ रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो व्यूअर्स, तो स्टूडेंट हमारा आज का एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो कि आने वाले वीडियोस आप तक वक्तन बवक्तन पहुँचती रहे। और अगले वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।